कहीं जाना और कहीं नहीं जाना, समझ में आ रही है? मेरे दोस्त मेरे को मनाली जाने के लिए बोल रहे हैं, मुझे जाना है, किसी भी हालत में मैं जाऊंगा। पैसे कहाँ हैं? जेब में पैसे होने चाहिए जाने के लिए। पैसे की तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे दोस्त बड़े पैसे वाले हैं, वो ले जाएंगे। जॉब करते हैं, 20,000 अपने कमा लेते हैं, कमा लेते हैं, जॉब कर रहे हैं ना, कमा लेते हैं। कितने कमा लेते हैं? 1,000 रुपये महीना। 2,000 रुपये लेकर तुम मनाली घूमने जाओगे? पढ़ाई लिखाई की नहीं जाती, मनाली घूमने जाओगे? अरे मैंने बोल दिया ना, मनाली मेरे को जाना है तो जाना है, मैं मनाली जाके ही रहूँगा। मैं अपने दोस्तों को बोल चुका हूँ, मेरा खर्चा तुम उठा लेना, मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो जाओ मनाली, मुझे क्या, जब तुम्हारे दोस्त इतने कमा रहे हैं, तुम्हारा खर्चा कर लेंगे तो जाओ मेरे साथ, मुझसे क्या पूछने आए हो? बड़ी ठंड है मनाली में, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड है, लेकिन मजा आ गया मनाली घूम के। हेलो भाई, पैसे तो दे दे जो मनाली गए थे। कौन से पैसे? तुझे याद नहीं कौन से पैसे? अरे जो हम मनाली गए थे उसके पैसे, तेरा खर्चा मैंने किया था, उसके पैसे कौन देगा? भाई बस दे दूंगा यार मैं पैसे तेरे को, जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं तेरे को दे दूंगा पैसे। तू टेंशन मत ले यार, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, पैसे की कमी नहीं है, पैसे मैं तेरे को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। बहुत टाइम मिलने मिल भी नहीं पाया हम, लेकिन मैं तेरे को दे दूंगा, तू टेंशन मत ले। Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. यार भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितना भी जैसे भी हो सकता है मैं तेरे को बचा के रहूँगा, पैसे की कमी नहीं है, तू टेंशन मत ले यार, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तो बस तू टेंशन मत ले। हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी फ्रेंड ने आपके पैसे मार लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी की जाती है, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाना। तो बाय।